मैंने कुछ साल पहले ये मछलियों का तालाब बनाया था इधर मछलियाँ पालने के लिए। फिशरीज़ डिपार्टमेंट ने मुझे इसमें थोड़ा हेल्प किया सीड देने में और थोड़ा ये गाइड किया किस तरह बनाना है, तो मैंने ये कंस्ट्रक्ट किया। तो आस्ता आस्ता कुछ साल तक मैं मछलियाँ बेचता रहा इसमें। लोग आए, उनको बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, यहाँ अच्छी मछलियाँ तैयार हो गई, क्योंकि यहाँ पर पानी का हमारा ये सोर्स है, अच्छा चश्मे का पानी आ रहा है इधर, इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैंने ये बनाए, फिर आस्ता आस्ता मैंने सोचा ये सफिशिएंट नहीं है खाली मछली पालन, तो लोग मैं सोच रहा था लोग आने चाहिए यहाँ पर। मैंने यहाँ पर ये थोड़ा अपना ही पर्सनल लेवल पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन कायम किया। जो श्रीनगर नहीं जा सकते थे, आम मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग नहीं जा सकते थे श्रीनगर बोटिंग करने के लिए, मैंने इनको यहाँ ही बना के दिया ये अम्यूज़मेंट। तो वो यहाँ पर बोटिंग करते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको यहाँ आना, और हम भी, हमारी फैमिली भी खुश हो जाती है वो उनको देख के। बच्चे आते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, जैसे वो बच्चियाँ परियाँ होती हैं बोटिंग करते हुए, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ भी मुझे थोड़ा अपना रोज़गार भी मिलता है यहाँ पर। आम नौजवानों को बोलना चाहता हूँ कि उनके पास भी बहुत सारे ये मौके हैं, वो गवर्नमेंट की स्कीमों का फ़ायदा उठाएं और वो भी कुछ ना कुछ करें, कुछ एग्रीकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, बाकी सेरिकल्चर हो, उसमें वो खुद अपना रोज़गार कमा सकते हैं। सरकारी नौकरियों के पीछे नहीं पड़ना है, बल्कि गवर्नमेंट से स्कीमें मांगनी हैं और जो उन आइडियाज़ हैं वो मांगने हैं, तो ताकि वो भी कुछ करें। बहुत सारे सेक्टर हैं, उसमें वो अपना रोज़गार कमा सकते हैं। मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ, यहाँ पे बोट मिली चलाने के लिए, क्यूट से मछलियाँ हैं एंड यहाँ पे झूले हैं। मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया, आपको भी आना चाहिए।